दोस्तों टाटा IPL 2023 लखनऊ वर्सेस रॉयल राजस्थान, दोस्तों आज मैच होने वाला है 7:30 पे, और यहाँ पे दोस्तों जो मेगा प्राइस है वो है 56 करोड़ रुपीज़। तो हम इस मैच में दोस्तों ड्रीम इलेवन का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन में यहाँ पे आप इस मैच का प्रेडिक्शन कर सकते हो, और जो इस हम दोस्तों बताने वाले ये है मेगा कॉन्टेस्ट का। दोस्तों यहाँ पे आप 49 रुपीज़ वाले में यहाँ पे आप बनाओगे टीम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट प्राइज वही 2 करोड़ रुपीज़ है जो पहले थी वही चल रही है। तो गाइस यहाँ पे हम क्लियर टीम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ अलग अब की बार दोस्तों बनाने वाले हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखना। और अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों जो इस वीडियो में आपको टीम मिलेगी सिर्फ वो दोस्तों आपको नॉर्मल टीम मिलेगी, यानी कि सिर्फ वो आपको दोस्तों समझाया जाए कि कैसे मतलब कौन सा आपको प्लेयर लेना है, और जो फाइनल टीम वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको दोस्तों फाइनल टीम मिलेगी, ठीक है। जैसे ही मैच का अनाउंसमेंट होता है तुरंत आपको फाइनल टीम वहां पे दे दी जाएगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो भी हम इस मैच में टीम बताने वाले हैं उस टीम को आप कहीं पर भी यहाँ पे दोस्तों यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ड्रीम इलेवन मेड माई इलेवन सर्कल हो गया, हाउ जो कितने भी फैंटेसी ऐप है सब पे आप ये टीम बना सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं लखनऊ वर्सेस राजस्थान के बारे में, कैसे आपको कैसी टीम बनाना है आज। दोस्तों पता है कि आपको लखनऊ यहाँ पे काफ़ी फॉर्म में है, और आपको पता है दोस्तों कि कैसे मतलब यहाँ पे टीम बनाना। चलिए तो हम आपको दोस्तों बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर विकेट कीपर की बात करें मतलब कि राजस्थान से, तो दोस्तों जॉस बटलर है, ठीक है। जॉस बटलर जो कि पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे आपको पता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनका पाँचवा मैच लगातार खेला, और पाँचों मैच में दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, ठीक है। चेन्नई में 73 मतलब मारा था, DC में 108 है, पंजाब में 48 है, सनराइजर हैदराबाद 93 है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आज इनसे मतलब होने वाला लखनऊ से, तो लखनऊ से मैच हो रहा है तो कुछ ना कुछ दोस्तों दिक्कत तो होगी। तो यहाँ पे जॉस बटलर को तो हम टीम में लेंगे, लेकिन आज के कप्तान कोई और रहेगा, वो कौन रहेगा वो भी आप जान जाओगे, वीडियो पूरा देखो, ठीक है। जॉस बटलर को लेने वाले हैं, और राजस्थान से संजू सैमसन को लेने वाले हैं, जो कि कप्तान भी हैं राजस्थान के। संजू सैमसन जो कि यहाँ पे 5 मैच प्ले किया और यहाँ पे पॉइंट भी अच्छा खासा दिया, ठीक है। और चेन्नई में तो दोस्तों तुरंत ही आउट हो गए थे, दिल्ली में भी थोड़ा देर बाद मतलब चले पाए थे, उसके बाद आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मतलब GT में भी गुजरात से भी, पंजाब से भी, और हैदराबाद से भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है। तो आज के इस मैच में हम लोग दोनों को लेकर चलने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बात करें दोस्तों विकेट कीपर की, दोस्तों वो सिर्फ जॉस बटलर ही हैं। हम यहाँ पे संजू सैमसन को ऐड दोस्तों एक बैट के मतलब बैट्समैन के रूप में यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और यहाँ पे और लखनऊ की तरफ से पुरान भी है जो कि निकोलस पुरान, ठीक है, निकोलस पुरान भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इनका भी दोस्तों यहाँ पे 5 मैच हो चुका है, और 98, 30, 66 इस तरीके से यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको भी हम आज के मैच में ले चलने वाले हैं, लेकिन अगर इनको हम ले लेंगे तो यहाँ पे 200 विकेट कीपर हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए तो हम यहाँ पे एन पुरान को ले रहे हैं, बाकी जो भी चेंजेस होता है टीम में, जो भी चेंजेस होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैच का अनाउंसमेंट प्लेयर का होते ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेंज कर लोगे या फिर अपने मन से भी आप बना सकते हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बैट्समैन पे आते हैं, बैट्समैन में KL राहुल हैं, S हेटमायर हैं, Y जायसवाल हैं, पडिकल हैं, दीपक हुड्डा भी हैं, A बदोनी हैं, D जरूल हैं, ये काफ़ी बैट्समैन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आज के मैच में KL राहुल का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो KL राहुल ने पिछले मैच में 212 पॉइंट दिए थे दिल्ली के खिलाफ, और चेन्नई में 26, तो काफ़ी बेकार प्रदर्शन था लोकेश राहुल यानी KL राहुल का। तो आज के मैच में हम KL राहुल को लेने वाले हैं, ठीक, KL राहुल को हम लेंगे आज जरूर लेंगे। और S हेडमायर है राजस्थान तरफ से, इनको भी हम लेंगे आज के मैच में, क्योंकि पिछला प्रदर्शन इनका काफ़ी अच्छा रहा हुआ, ठीक है, चारों मैच में अच्छा रहा, लास्ट वाले में सनराइजर में हैदराबाद में थोड़ा टिके थे नहीं, तो इनको भी ले लेते हैं। और नीचे आएंगे आज दीपक हुड्डा को हम लेंगे, दीपक हुड्डा जो कि यहाँ पिछले मैच में आपने देखा था दीपक हुड्डा ने कैसे मतलब प्रदर्शन किया था। अगर हम बात करते दीपक हुड्डा के पिछले मैच में, तो यहाँ देखोगे दिल्ली में 21 दिए, 6 दिए, पहले दिए 14 दिए, 6, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे आए और चौथे नंबर पे आते। तो अभी के लिए तो इनको हम छोड़ रहे हैं, बाकी का कुछ चेंजेस होता तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और अब और सिर्फ 2 बैट्समैन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और एक हम लेने वाले हैं दोस्तों आपको Y जायसवाल को राजस्थान की तरफ से, ठीक है। Y जायसवाल यानी यशस्वी जायसवाल, यहाँ पे अच्छा पॉइंट दिया हुआ इन्होंने भी, तो हम अभी के लिए इनको ले लेते हैं, बाहर जो चेंजेस होगा वो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं दोस्तों डायरेक्ट बॉलर में, युजवेंद्रा चहल भी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, और हमारे एम यूड हैं, बिश्नोई भी हैं, अडम जंपा भी हैं, ए खान भी हैं, ठीक है, यहाँ पे 5-6 एस शर्मा भी हैं, और नीचे आते हैं तो Y सिंह चारक भी हैं, ठीक है।
अब इनका अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे वाइसिंग चार्ज जो कि यहाँ पे 3.88% सेल है, मतलब यहाँ पे बिके हुए ज़्यादा लोग लिए नहीं है। एक ही मैच भाई ने प्ले किया है और एक मैच में 64 पॉइंट दिया हुआ है पंजाब के खिलाफ। राइट हैंडेड बैट्समैन भी है और मीडियम फास्ट भी है, ठीक है। तो लखनऊ की तरफ से यहाँ पे इनको लिया गया है, तो आज के इस मैच में हम लोग इनको लेकर चलने वाले हैं। वैसे चेज़ होगा वो समझ में आ जाएगा, हो सकता है ये प्लेयर सब चीज़ चीट हो जाए, ठीक है, मतलब एक प्लेयर ना खेले, तो अभी के लिए तो हम ले रहे हैं। और राजस्थान की तरफ से दोस्तों एस शर्मा भी है जो कि यहाँ पिछला मैच यहाँ पे इनको भी दोस्तों सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, लेकिन अगर होगा तो चेंज किया जाएगा, अभी के लिए दोस्तों यहाँ वैसे बना ले रहे हैं। वाई चहल को ले लेते हैं, ट्रेंट बोल्ट को लेंगे, एम वुड को लेंगे, ठीक है। इतने दो प्लेयर हमको लेना है, उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके के प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑलराउंडर में हम लोग सबसे पहले लेंगे, आपको देखने के लिए दोस्तों देखने को मिलेगा कुणाल पांडे भी हैं, कायल मायर्स भी। तो कायल मायर्स सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले ओवर तो ये फेंकता है, और कायल मायर्स को ले लेते हैं। और यहाँ पे चेंजेस, ट्रेंट बोल्ट है, मैम जूड है, अब एक तो यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, वैसे तो ले लेते हैं, ठीक है, बाल चेंज करेंगे। एम वुड को छोड़ के सॉरी चहल को छोड़ के अभी ऑलराउंडर में आते हैं, और यहाँ पे ऑलराउंडर में हम ले लेते हैं कुणाल पांडे भी हैं, रविचंद्र अश्विन भी हैं, और पिछला मैच रिकॉर्ड देखते हैं एम एस धोनी का। तो यहाँ पे पिछले मैच में तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन पहले आरसीबी में 107 पॉइंट दिया था। रविचंद्र अश्विन भी हैं, इन्होंने भी मतलब पिछले मैच में मतलब कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो गाइस चलिए हम लोग आज के मतलब मैच में हम लोग अभी तक लिए दोस्तों यहाँ पे कुणाल पांड्या भी हैं, अश्विन भी हैं, तो हम लोग आर अश्विन को ले लेते हैं अभी के लिए। बाद में जो चेंजेस होगा वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और यहाँ पे आज के हम कप्तान बनाने वाले हैं संजू सैमसन को, और वाइस कप्तानी देने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट को, ठीक है, या तो फिर कायल मार्स को भी लखनऊ से दे सकते हैं क्योंकि संजू सैमसन वहाँ राजस्थान से है, ठीक है, या फिर एम वुड को भी दे सकते हैं। चलिए हम आज एम वुड को देते हैं, संजू सैमसन कप्तान बनाते हैं, एम वुड को आज वाइस कैप्टन बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं फाइनली दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके की टीम बनी हुई है, आप लोग देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो टीम टू कहाँ गई, टीम टू है, तो कुछ इस तरीके से टीम मैंने बनाई हुई है टीम टू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके टीम बना लीजिए, जो चेंजेस होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। जॉस बटलर है, संजू सैमसन है, एन पुरान भी है, राहुल है, हेडमायर है, अभय जायसवाल है, अश्विन है, कायल मायर्स है, ट्रेंट बोल्ट है, एम वुड है, और ये दोस्तों वाई सिंह चादो भी हैं, ठीक है। तो कप्तान हमने सैमसन को रखा हुआ है और वाइस कप्तान यहाँ पे, और अभी के लिए एम वुड को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, बाहर जो चेंजेस होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।